अभी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा भाई, ये है रावण के मुंह भाई, हो चुका है मतलब अभी बनना बाकी है थोड़ा बहुत भाई, ठुड्डी बन चुके है, ठुड्डी हो जाने वाली है और ये भाई रावण की हो जाने वाली है, मुंह से देख रहा भाई ये कुछ रावण की बल्ली बात जो अंदर रखी हुई थी अब बाहर निकाल दी है। रावण देखो भाई, रावण पहले बन चुके रेडी हो चुका है भाई, ग्लेस पेपर यहाँ पर चढ़ना बाकी है लेकिन अभी जो भाई फिलहाल नॉर्मल पेपर चढ़ाया गया है जो कि इसके ऊपर भाई बेहतरीन लग रही थी। अच्छी भाई मुंडी हो जाने वाली है, हाइट की बात करूँ ना भाई मैं, ये देखो भाई हाइट किस तरीके हो जाने वाली है, ये भाई मेरी हाइट है 6 फुट और इसकी हाइट हो जाने वाली है 10 से 12 फुट की, थोड़ा सा इसके ऊपर अभी ताज लगना बाकी है, ताज लगेगा फिर इसके नीचे आएगा धड़, तो भाई यहाँ पर सारा का सारा काम चल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। देखो भाई रावण की मुंडियाँ ही मुंडियाँ बना के रेडी कर रहे हैं भाई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप सभी को पता है दशहरा कि भाई आप सभी सामने देख ही रहे हो कि भाई यहाँ पर भाई भाँस कटिंग चल रही है भाई, यहाँ पर भाँस होगी भाई, इसको क्या कहते हैं भाई खपच्ची, बताओ ना भाई ये ना कोई धरा ना घाघरा, आप ये कमेंट में बताओ कि भाई इस चीज को कहते क्या है, तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं पता ना भाई, आप कमेंट करके बताओ कि भाई ये चीज जो है वो क्या बन रही है। और देख रहे भाई ये मुंडी पे लगाए जाते गोले, अब ये बिखेर दिए जाएंगे और इसे बांध दिया, ले भाई सब उठा लिया भाई ठीक है, मुकुट इतना बड़ा है, मुकुट कम से भाई 7 से 8 फुट का मुकुट है भाई, रावण कितना बड़ा होगा आप जैसे करो, अभी तो भाई मुकुट की कलाकारी होनी बाकी है। आ चुका हूँ यहाँ पर टैगोर गार्डन सुभाष नगर में भाई, यहाँ पर आप सभी को दिखाऊंगा जबरदस्त रावण, और सबसे पहले भाई ये गाड़ी चेक करो यार कितनी जबरदस्त गाड़ी है, थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा हो गया गजब चीज है भाई, अब गजब गजब रावण भी दिखाने की बारी आ चुकी है आप सभी को, तो अभी चल रहे हैं भाई हम सीधा आप सभी को रावण दिखाने, जैसे आप देख पा रहे हो पटरी पे बहुत सारे रावण खड़े हुए हैं और इंजॉय करेंगे भाई आज की वीडियो में ठीक है, बहुत तगड़े इंजॉय हो जाने वाला है, चलो भाई चलते देरी नहीं करते हैं। अभी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा भाई, ये है रावण के मुंह भाई, देख रहे हो कितने बड़े बड़े विशाल भाई रावण का मुंह बनाया हुआ है यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर भाई एक रावण का मुंह भाई तैयार हो चुका है, मतलब अभी बनना बाकी है थोड़ा बहुत भाई, ठुड्डी बन चुके है, ठुड्डी हो जाने वाली है और ये भाई रावण की हो जाने वाली है, मूंछ देख रहे हो भाई, मूंछ का डिजाइन और रावण की भाई साहब हाइट चेक करो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ठीक है, ये देख रहे हो कितने फुट का होगा, 40 फुट का देख रहे हो भाई, आराम से भाई साहब इतना लंबा रावण हो जाने वाला है, और थोड़ा सा पीछे करके दिखाओ ना वहाँ की भाई, वहाँ सारे भाई रावण बना रहे हैं, ये कुछ रावण की बल्ली बात जो अंदर रखी हुई थी अब बाहर निकाल दी है रावण तैयार करने के लिए, कि भाई आप सभी सामने देख ही रहे हो कि भाई यहाँ पर भाई भाँस कटिंग चल रही है भाई, यहाँ पर भाँस होगी भाई, ये इसको क्या कहते हैं भाई खपच्ची, भाई खपच्ची बन के रेडी हो चुकी है, और इसके बन रहे भाई गोले, गोले कैसे बन रहे हैं मैं आपको सभी को आगे चल के दिखाता हूँ, और ये भाई गैस करके बताओ कि भाई गैस, गैस करके बता दो भाई ये क्या हो जाने वाला है, भाई मैं आपको बताऊँ ना भाई ये ना कोई धरा ना घाघरा, आप ये कमेंट में बताओ कि भाई इस चीज को कहते क्या है, तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं पता ना भाई, आप कमेंट करके बताओ कि भाई ये चीज जो है वो क्या बन रही है, और आगे लेके चलेंगे तो भाई यहाँ पर भी देखो भाई ये भाई बना रहे हैं ठीक है, और थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा ना भाई, ये देखो टैगोर गार्डन सुभाष नगर का रोड हो जाने वाला है, और यहाँ पर भाई मुंडी के भाई गोले बन रहे हैं, देख रहे भाई ये मुंडी पे लगाए जाते गोले, अब ये बिखेर दिए जाएंगे और इसे बांध जाए, ले भाई सब उठा लिया भाई ठीक है, ये गोले बन रहे मुंडी के लिए और ये बन चुके हैं लगता है, टांगे वांगे बन चुकी है और इधर कट रही है भाई बांस, देख रहे हो, और थोड़ा सा आगे आऊंगा ना भाई यहाँ पर भाई जोरों शोरों से काम चल रहा है, अरे भाई भाई थोड़ा सा आगे आओगे ना भाई यहाँ पर हाथ पैर बना के रेडी कर दिए गए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो भाई ये हाथ है रावण के ठीक है, कुछ इस तरीके के हाथ होते हैं, किसी को भाई पहले बुकिंग करना है तो भाई पहले भी कस्टमाइज रावण बना सकते हो, और थोड़ा सा आगे आओगे ना भाई यहाँ पर भाई रावण के मुंडियाँ बनना चालू हो चुकी है, जैसे कि भाई ऊपर से मटका मुंडी तैयार हो रही है भाई सारी की सारी, और थोड़ा सा आगे चलते जाओगे ना भाई यहाँ पर भी भाई मुंडी बन रही है ठीक है, और थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा तो भाई यहाँ पर धड़ घाघरा सारा का सारा मटेरियल तैयार हो रहा है, रघुवीर नगर टैगोर गार्डन के आपको सारे के सारे रावण दिखाने वाले हैं, अभी तो भाई रावण अभी छाती वाती है सब धड़ धड़ तैयार हो रहे हैं, और आगे लेके चलूंगा आप सभी को सारी चीजें दिखाऊंगा एक से बढ़कर एक, पर भी भाई यहाँ पर बनना चालू हो चुके हैं रावण, और आगे आपको सभी को लेके चलूंगा तो भाई ये चीज चेक करो यार, देख रहे हो क्या गजब की चीज हो जाने वाली है भाई, ये हो जाने वाला है रावण का मुकुट भाई, मुकुट इतना बड़ा है, मुकुट कम से भाई 7 से 8 फुट का मुकुट है भाई, रावण कितना बड़ा होगा आप चेक चेक कर लो, अभी तो भाई मुकुट की कलाकारी होनी बाकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, ओ भाई क्या हो रहा था इसका, ओ छोटी सी एक्टिवा पे 2000 रुपए वाला हो रहा है, चलो जी और आ गया होता ना भाई हमारे को यहाँ पर रावण की मुंडी देखने को मिल जाती है, जो कि भाई तैयार करके यहाँ पर लगा दी गई है भाई, चेक करो यार थोड़ा सा आगे चल के दिखाओ ना,
इसकी मूछों का साइज चेक करो, मतलब ठीक है ओके रिपोर्ट हो जाने वाली है भाई। रावण की जो है ना भाई सींग भी बनाए गए हैं, देख रहे भाई क्या गजब सींग हो जाने वाले हैं। और थोड़ा सा आ जाओ ना भाई, यहाँ पर दांत वात की कलाकारी की गई है, और ये भाई सब यहाँ पर है ना मुझे लग रहा है सबसे पहले बना के रेडी कर दी गई है भाई ये मुंडी। ठीक है भाई, ये कुछ रावण की मुंडी हो जाने वाली है, ये कुछ मूछ हो जाने वाली है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना भाई, हाइट चेक करो सबसे पहले भाई, देखो है पलके के समेत भाई सींग भी लगा दिए गए हैं। लोकेशन मैं आपको बता दूं, टैगोर गार्डन सुभाष नगर के बीच में है भाई ये। ठीक है, लाके देख सकते हो भाई, सॉरी आके देख सकते हो भाई। ये देखो भाई पीछे से मैं आपको दिखा दूं, तो भाई साइड से इतनी बड़ी से इतनी बड़ी भाई मुंडी हो जाने वाली है। हाइट की बात करूं ना भाई मैं, ये देखो भाई हाइट कुछ इस तरीके की हो जाने वाली है। ये भाई मेरी हाइट है 6 फुट और इसकी हाइट हो जाने वाली है 10 से 12 फुट की। थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा ना भाई, थोड़ा सा इस तरीके से दिखाऊंगा, तो भाई इस तरीके से भी देख सकते हो भाई। यहाँ पर भी ये रावण की मुंडी बहुत ही गजब देखने को मिल जाती है, जो कि भाई मुंडी का जो स्पेसिफिकली जो मुंह का डिजाइन है ना भाई सबसे तगड़ी, तो भाई इसकी मूछें लग रही है, देख रहे हो भाई क्या तरीके की मूछें लग रही है। और पलखे और रावण की तो भाई कुछ अलग ही बात है, ठुड्डी भी देख सकते हो, ठुड्डी के साथ साथ दांत भी लगाए गए हैं। तो भाई ये कुछ हो जाने वाली है भाई यहाँ की मुंडी। ठीक है, बात करें तो भाई इसके ऊपर अभी ताज लगना बाकी है, ताज लगेगा फिर उसके नीचे आएगा धड़। तो भाई यहाँ पर सारा का सारा काम चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर भाई रावण बनाया जाता है, हर जगह रावण बनाए जाते हैं, लेकिन भाई साहब जो एक नंबर के रावण बनाए जाते हैं ना, जो अच्छे अच्छे रावण बनाए जाते हैं, वो सभी मैंने आपको 2023 में भी दिखाएंगे, और थोड़ी 2023 में भी दिखाया था और 2022 में भी दिखाऊंगा। तो भाई ये रावण यहाँ पर बना के रेडी कर दिया गया है, नॉर्मली रावण है। अरे भाई साहब क्या धड़धड़ आवाज आ रही है, थोड़ा भाई थोड़ा सा वॉइस हो जा रहा है। और थोड़ा सा आगे लेके आऊंगा ना भाई, यहाँ पर देखो भाई रावण की मुंडियां ही मुंडियां बना के रेडी कर रहे हैं भाई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप सभी को पता है दशहरा बहुत ज्यादा पास आ रहा है भाई। दशहरा है बहुत ही नजदीक, करीब करीब से भाई 1 महीने से ज्यादा का टाइम है भाई अभी दशहरे को, लेकिन फिर भी भाई समय कम है भाई, रावण बनाने में लगती है मेहनत। और आगे लेके चलूंगा तो भाई यहाँ पर रावण की मुंडी बनाई जा रही है पीछे भी, ठीक है जैसे मैंने आपको बताई। तो रावण भाई क्या रहा हूं मैं, मुकुल भाई थोड़ा यहाँ खड़ा होकर दिखाना यार, मुकुल भाई की हाइट हो जाने वाली है 5-6, और ये देखो यार भाई क्या हाइट हो जाने वाली, क्या कह रहे भाई मेरा डबल मैं मेरे जैसा एक और लगेगा ऊपर जाने। अच्छा मुकुल भाई जैसे दो खड़े होंगे तब जाके तो भाई ये मुंडी कवर होगी, मेरे जैसे डेढ़ लगेंगे, नोची हो रहा है। ये थी रावण की वीडियो, तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी तो भाई बेहद थक चुके हैं, क्यों मुकुल भाई थक गए ना बहुत ज्यादा देर भाई, बहुत ज्यादा थक गए। आप चलते भाई सीधा घर पे, वीडियो को प्यार देना, वीडियो को भाई साहब ऐसी तैसी कर देना भाई साहब, लाइक बटन की छोड़ो यार, लाइक मत करो कमेंट कर दो है ना, कमेंट कर दो भाई क्या बोल रहे हो। चाहूंगा भाई बोलो भाई बोलो भाई, आप ना सभी से यही कहना है कि भाई देखो मेहनत हम भी करते हैं, मेहनत सब करते हैं, पर ये है कि भाई बस मेहनत दिखती नहीं है किसी की भी आपको, ठीक है। तो सब आपसे बस इतनी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथ ही साथ, और कमेंट तो कर ही देना, और शेयर आपका मन हो तो शेयर जरूर करना। बाकी जब तक के लिए भाई आवाज से आप पहचान सकते हो बंदा कितना थका पड़ा है।